ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन भाजपा ने कांग्रेस की मशाल रैली का जवाब देते हुए सोलन में माल रोड पर तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से भाजपा ने शहरवासियों को कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार के बारे में जागरूक किया। रैली की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। सोलन भाजपा ने कांग्रेस की मशाल रैली का जवाब देते हुए सोलन में माल रोड पर तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से भाजपा ने शहरवासियों को कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार के बारे में जागरूक किया। रैली की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। रैली के दौरान बारिश होती रही और ठंड अपनी चरम पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद थे और उनमें बेहद जोश और कांग्रेस के प्रति आक्रोश देखा जा रहा था। यही कारण रहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पर कांग्रेस और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भ्रम फैलाकर भोले भाले जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल युवा कांग्रेस के मित्र मशाल लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अशोभनीय नारे लगा रहे हैं, जिसे वे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश हित में कड़े निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हिमाचल की जनता का भरोसा और भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं बौद्ध पारसियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनका धर्मांतरण करवा दिया गया, तो ऐसे पीड़ितों को अगर भारत में नागरिकता दी जा रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अत्याचार का सबसे बड़ा गवाह ननकाना साहिब की घटना है, जिस पर अब कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सोलन मंडल इकाई द्वारा जो है सीए के समर्थन में आज एक रैली जो है इसका आयोजन रखा था और पूरे देश में सीएए जो है वो चर्चा का विषय है। लेकिन दुख का विषय ये है कि कई राजनीतिक दल अपनी तुच्छ राजनीतिक हसरतों के चलते, अपने निजी स्वार्थों के चलते लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, देश में दंगे फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मजहबी उन्माद जो है उसको फैलाने का काम जो है ऐसे लोग कर रहे हैं। हम ऐसे सब लोगों का विरोध करते हैं। ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, ये मुद्दा ऐसे लोगों का मुद्दा है जो बहुत उम्मीद से भारतवर्ष की ओर आंखें गड़ाए जो हैं वो देखते हैं। और क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनका जो उत्पीड़न हुआ है, माताओं बहनों का जिस प्रकार से वहाँ पर बलात्कार की खबरें निरंतर आती रही हैं, उनको वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे लोग जो भारत में शरणार्थी के रूप में जिन्होंने यहाँ पर शरण ली है, और शरण लेने के लिए भी उनको भारत ही देश दिखाई देता है जो एक प्रभुता संपन्न देश है, जहाँ पर सब समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी अपनी पूजा पद्धति उस पर आगे बढ़ने का, जहाँ पर सब लोगों को जो है अधिकार है, किसी प्रकार का भेदभाव धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जिस देश के अंदर नहीं है। तो जब ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, जिनका घोर उत्पीड़न बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हुआ है, ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए ये कानून बना है और इसका हम समर्थन करते हैं। मैं ये समझता हूँ हमारे जो विरोधी दल हैं वो इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में और पाकिस्तान में विशेष तौर से अत्याचार होता है। अभी दो तीन दिन पूर्व ही गुरुद्वारा ननकाना साहब को वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय ने जिस प्रकार से घेर करके और मजहबी नारे वहाँ पर लगाए गए और उस स्थान का नामोनिशान मिटाने का जो है उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर संकल्प दोहराया है, तो वह मुंह बोलता प्रमाण है